गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना दिवस सोमवार को पूर्वोत्तर रेलवे में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केक काटकर स्थापना दिवस को भव्य बना दिया। आपको बता दें, आज़ादी से लेकर आज तक गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का किसी तरह से कायाकल्प हुआ है। आज ही के दिन पूर्वोत्तर रेलवे की नींव रखी गई थी। आज चित्र प्रदर्शनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जब जब पदार्पण हुआ था उस समय की तस्वीर को आज पूर्वोत्तर रेलवे ने लगाकर चित्र प्रदर्शनी से पुराने यादों को ताज़ा कर दिया है। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने केक काटकर और गीत गाकर मकर संक्रांति के अवसर पर चार चांद लगा दिया। अरे भैया 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 कौन भाई कौन भाई थोड़ा सा उसी तरीके गाड़ी कैसे देंगे हम लोग, थोड़ा होर्डिंग वोर्डिंग या कुछ अंदर है लोगों के, पुराने महापुरुष हैं लोग, आगे जाओ मैं पीछे जो बना लो, जिसका नहीं बना है बना लो। स्वागत एवं अभिनंदन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, हम जब पहले यहाँ कैमरा पीछे थोड़ा सा पीछे भैया, तब चूंकि जहाज नहीं था तो हम ट्रेन से आए थे, तब का गोरखपुर मेरे पिताजी भी कहते थे जब वो लोग जाते थे जौनपुर से इस रास्ते से गुजरते थे, और पहले का अंग्रेजों के पहले के काल का रेलवे स्टेशन गोरखपुर, आज उसको देख के थोड़ा भावुक भी हो गए हम। और अब उसको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि एक गरीब आदमी भी 5-स्टार होटल की तरह चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1,00,000 लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, 1,00,000 लोग रोज़ यहाँ से आते हैं जाते हैं। गोरखपुर का ये ट्रैक, ये प्लेटफॉर्म बिगेस्ट इन द एशिया राइट नाउ, सेकेंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अब आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए के बजट में एक भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। आज जो उद्घाटन हो रहा है बहुत सुंदर है, वो सब जनता के जान लेवे के चाहिए कि यहाँ एगो बेड का व्यवस्था बाटे कि कभी फॉग के समय, ठंड के समय, अभी ट्रेन का आना जाना में थोड़ा देरी होती है, तो 390 रुपये में हम लोग 6 घंटे के लिए पूरा होटल नुमा कमरा है, एकदम प्रॉपरली वेरी वेल डिजाइंड प्रॉपरली। ये है रामराज्य, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे वैष्णो जी का, रेल मंत्रालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि यह ऐतिहासिक पहल जो शुरुआत इस भारत में, इस नए भारत में हो रही, इस नए गोरखपुर में, एक बहुत बड़ा संदेशा दे रही है डबल इंजन सरकार का। मोदी योगी जी को धन्यवाद, रेल मंत्रालय को दिल से धन्यवाद, पूरे अधिकारी गण यहाँ खड़े हैं। सांसद जी रेल ये धन्यवाद की बात नहीं, आज इनॉग्रेशन किए, पुरानी यादें ताजा हुई हैं, आज ही के दिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन की आज रेल का स्थापना दिवस बा, एक बहुत बड़ा, इट्स अ बिग डे। और उस दिन के साथ आज नए इनोवेशन भी, जो नए हम लोग अपग्रेड किए हैं, तो ये दोनों भावनाएं, इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं आज भावुक भी हूँ कि मैंने पहले के रेल को भी, इस स्टेशन को देखा, आज इसको हाईटेक होते हुए देख रहा हूँ। स्थापना दिवस पे कितनी सारी यादें रही, हम लोगों की लाइफलाइन रही, ये हमारी, हम जैसे लोग स्ट्रगल करते थे तो यही ट्रेन हम लोगों को अपने सफर तक बम्बई पहुंचाती थी, जो अब मुंबई हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी रेल अगर नहीं रहता तो ये जितने गरीब जो हम जैसे लोग निकले हैं गांव देहात से, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते, तो ये इसकी, इससे बड़ा दिन क्या होगा। और मैं सही व्यक्ति रहा जो आज ये स्टेशन पर आया हूँ, तो आज मैं अपनी भावनाओं को जोड़ता हूँ कि इसी रेल ने मुझे बम्बई पहुंचाया था, इसी ट्रेन ने, तो मैं आज रेल स्थापना, अगर रेल नहीं होता
तो हम लोग अपने मंजिल पे नहीं पहुंचते। मैं सुपरस्टार नहीं बनता, मैं सांसद नहीं बनता, तो मेरे साथ इसकी भावनाएं वो वाली जुड़ी हैं। तो आज मैं बड़ा शुभकामनाएं देता हूं इस मकर संक्रांति पे, रेल स्थापना दिवस पर समस्त रेल कर्मचारी को, जितने भी हमारे कर्मचारी हर विभाग में काम करते हैं, कि आप लोग की दिन रात की मेहनत मशक्कत और ऐसे हर मौसम में और इतने लोगों को एक साथ संभालना, अपने सीने में ले के चलना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा साधुवाद है डेफिनेटली इसके लिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्रालय को, समस्त कर्मचारी गण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि भैया हो इतना लोगन के एक साथ झेला और उन लोगन की उनके मंजिल तक पहुंचाई कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई अस्पताल जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई अपनी माँ के पास जा रहा है, कोई पिता के पास जा रहा है, कोई फौजी अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा है। बहुत सारे लोग नेतागण दिल्ली अपने सदन में, पार्लियामेंट में, मैं कितने बार यहीं से गया हूँ, जब जहाज हमको नहीं मिला तो यही ट्रेन हमको अपने सदन में पहुंचाती है। तो ये रेल को दिल से धन्यवाद। और मैंने सांसद बनने के बाद रेल यात्रा ज्यादा मेरी शुरू हो गई, पहले नहीं होती थी, और मैं बड़ा आनंद ले रहा हूँ। इस हाईटेक इज अपग्रेडेड और इसके लिए दिल से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पहले तो ग्राम राज्य बा 22 जनवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 11 दिन का व्रत रखे। मैं समस्त भारत से निवेदन करूंगा, कृपया उस दिन अपने घर में राम नाम का दीपक जरूर जलाया। फिर कहे ना भैया हो, जितना लोग बाड़न आज 500 साल 550 साल बाद ही समय आ गई, कितना साधु संत लोग चल गई ना, मेरे पिताजी इंतजार करते करते पंडित श्याम नारायण शुक्ल ऊपर चले गए, हम लोग जीवित उस दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। वो दिन आप लोग भूलिएगा नहीं। तो उस दिन आप कौन गीत सुनाई तो महोत्सव वाला हमारे साथ सब लोग गई है, गाएंगे। ये सिर्फ मेरे राम नहीं, हम सबके राम है। आप भी गाएंगे, अधिकारी गण भी गाएंगे, ये सब लोग, ये समस्त सनातनी विचारधारा के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, हिंदू एक विचारधारा है, आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। भैया श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। बोलो जय श्री राम, सीताराम सीताराम, भारत माता की जय। बहुत मुबारक।